जब मैं प्रभु में नया आया, मेरे ऊपर शैतान ने बहुत हालात है, बिजनेस में, पैसे के, शरीर में, मेरे बच्चों में बहुत हालात लेकर, एक नहीं कई हालात, पर मैंने उन हालातों पर नहीं, मैंने किस पर मन लगाया, क्योंकि मेरी इच्छा थी आगे बढ़ने के लिए। बोलोगे जब, क्योंकि शैतान जानता है जब मैं प्रभु में नहीं था, शैतान ने मुझे कितनी बार मारने की कोशिश की, 3 बार मैंने, जैसे पौलुस कहता है ना, मुझे यहूदियों के पास 39 घोड़े भरे, मैं 3 बार जहाज पर चढ़ा, एक टूट गया, रात दिन में समुद्र, वो अपने जीवन के परिश्रम, अपनी मेहनत के बारे बताता है। पढ़ना जाकर 2 कुरिन्थियों 11 की ऐसे 21-22 से वचन है ये, पढ़ना जाकर नोट कर लो। वो अपने जीवन के परिश्रम, मेहनत के बारे बताता है। जब मैं नहीं था ना, 3 बार शैतान ने मुझे मारना चाहे, मैं डूब गया था। एक बार मैं 3 मंजिली ऊंची बिल्डिंग से गिर गया, पर मैं उसका चुना हुआ था, मुझे खरोच भी नहीं आई, खरोच भी, हड्डियां चूरा हो जाती हड्डियां। 3 मंजिल बिल्डिंग से मैं सीधा डायरेक्ट, एक मंजिल नीचे थी उस पर आके गिरा, फिर उसके नीचे, एक खरोच तक भी नहीं आई। शैतान मुझे मारना चाहता था, पर मुझे बचाने वाला मेरा परमेश्वर वो था, इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था। जैसे जब यीशु पैदा हुआ तो उसने हेरो देश के द्वारा, राजा के द्वारा क्या ऐलान किया, इतने साल के बच्चे सबको क्या कर दो, खत्म कर दो, क्योंकि उसने कहा मुझसे, क्योंकि लोगों ने कहा राजा पैदा हुआ है, बैतलहम में क्या पैदा हुआ है, राजा पैदा हुआ है, क्या पैदा हुआ है, राजा पैदा हुआ है। उसने कहा मैं राजा हूं इस देश का, मेरे बाप, मेरे से कौन आ जाएगा राजा दूजा। उसने कहा अगर कोई आने वाला तो मैं उसे खत्म ही कर दूं। उसने कहा इतने साल के बच्चे सबको क्या कर दो, आदेश दिया मार दो, क्योंकि ये काम कौन करवा रहा था, शैतान करवा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जो इस दुनिया में आया वो क्या करेगा, क्या करेगा। शैतान ने उसे बचपन में ही यीशु को खत्म करने की प्लानिंग की, हेरो देश के द्वारा कैसे मरवा दो, पर परमेश्वर बचाने वाला है। उसने यूसुफ को दर्शन में कहा इसे कहां पर लेकर चले जा, क्योंकि जो जो उसके जीवन के बारे पहले लिखा वो सब कुछ पूरा हुआ। आज ऐसा नहीं है कि आपको परमेश्वर ने बुलाया और आपकी कोई कॉलिंग नहीं है, आपके जीवन हर एक की, अगर हर एक को परमेश्वर ने बुलाया, हर एक के जीवन से परमेश्वर की कुछ प्लानिंग है, ऐसे नहीं बेकार में परमेश्वर को, परमेश्वर ने किसी को बुलाया नहीं। ये नहीं है कि आपके बच्चों को, आपके बच्चों पे हालात हैं, आपके घर में प्रॉब्लम है, आप रेंट पे रहते हो, आपके घर में प्रॉब्लम है, कलेश है, आपके बच्चे आज्ञा करनी है, कोई नशा करता है, किसी को कैसी बीमारी है, ये नहीं है। ये आपकी सिर्फ एक कॉलिंग है, कोई बलाहट है। अगर ना होती कोई बीमारी तो कौन आता उसके पास। ये आपके बच्चे के ऊपर ये हालात ना होता, दुष्ट आत्मा का हालात ना होता तो ये आते, आता कोई, कोई नहीं आता। यीशु के पास वो लोग आते हैं जो संसार के स्थाए हुए लोग हैं। इसलिए यीशु ने कहा मेरे पिता ने मेरा अभिषेक इसलिए किया, हाँ मेरे परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, और मेरे पिता ने मेरा अभिषेक इसलिए किया कि मैं कंगालों को शुभ समाचार सुनाने के लिए और छुड़ाने के लिए और उनके जीवन के वर्ष के खुश रहने के लिए मैं प्रचार करूं, मैं उन्हें बताऊं, क्या करूं, मैं उन्हें बताऊं। समझ आ रही है, क्या करूं, मैं उन्हें बताऊं, इसलिए मेरा अभिषेक किया। इसलिए ऐसे नहीं परमेश्वर ने आपको बुलाया कि हाँ आप कीजिए बीमारी है। बोलो क्या है, परमेश्वर किसे छुड़ाएगा जिसने उसके नाम को जान लिया। मैं जान चुका था ये जो शैतान मेरे सामने हालात खड़ा कर रहा है, इसलिए वो इतने बड़े हालात लेकर आ रहा है ताकि मैं यीशु को छोड़ दूं, मैं उस अनंत जीवन का स्वर्ग का अधिकारी ना बनूं। आज इसीलिए वो हालात लेकर, क्योंकि जिसकर जितने हालात आएंगे ना उसके जीवन से उतनी बड़ी महिमा प्रकट होगी। जाओ, मैं सच्ची कहता हूं, जो मैं घोषणा करता हूं इस बात की, जो हालात आ रहे हैं ना उसके जीवन से सबसे ज्यादा परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा। मेरे जीवन में भी ऐसे थे, पर मन न खराब करना, शैतान की ये बड़ी जुक्ति है आपको इस जीवन से तोड़ने की। इसीलिए वो आपका मन, मेरा भी मन खराब करता था, मेरा मन भी मुझे दोष देता था। बोलो क्या है, जब मैं प्रभु के पास आया मेरा सब कुछ, मैं एक 10-10 रुपए का मुमताज हो गया। क्या हो गया, मेरा मन भी मुझे दोष लगा, आजा पीछे आजा। वो जीवन अच्छा था ना, जब मैं नशा करता था
तो तब मेरे पास पैसे होते थे, जब मैं प्रभु में आया सब कुछ भी नहीं। तो शैतान कहता वापस आ जा, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, इस शाम को तू ऐसी बार में बैठा आता था, हाँ। तो मेरा मन मुझे दोष देता था, पर मैंने उसके नाम को जान लिया था, मैं समझ चुका था कि मेरा परमेश्वर कौन है, वो शांति देने वाला, जीवन देने वाला वो है। इसलिए मैं उन हालातों से पीछे नहीं हटा, मैं उनसे लड़ा। ऐसे नहीं है मैं लड़ा नहीं तो जीता नहीं और परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया नहीं। इसे लिखा उसी यीशु को हथियार के समान उसकी मनसा को धारण करो, क्योंकि उसने मेरे शरीर में दुख उठाया और वो क्या हो गया, दुखों से, जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। आप छूटोगे, आपको परमेश्वर उच्चा करेगा, ब्लेस करेगा, आगे लेकर जाएगा। जो चीजें आज आप देख रहे हो कल नहीं होगी, ये सब खत्म होगी। आमीन। मैं सच्ची कह रहा हूं, ये इसलिए है कि आप हट जाओ। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को अच्छे से ना जानने की वजह के कारण वो बैकस्लाइड होते हैं, यीशु को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ना तो उसके नाम को जाना, ना उसकी आँखों को माना, ना ही उसके नाम का भय माना। बोलो क्या, ना ही उसके वचन को पूरा किया, जैसे इसराइलियों को कहा 6 दिन काम करना, हाँ 7वें दिन तुम्हारे परमेश्वर जो हवा का आशीष का दिन है, आशीष दिन, अपने माता पिता का आज्ञा क्या करना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, क्या ना करना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, झूठी गवाही ना देना, बुरा ना देखना, मुंह से गालियां, ये सब कुछ ऐसे आज्ञा देना। तो जब तक हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे नहीं और पाप को छोड़ेंगे नहीं तो परमेश्वर कैसे ब्लेस करेगा, वो तो चाहता है। और जब तक हम उन चीजों को छोड़ेंगे नहीं, परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे तो कैसे होगा। अगर आप तैयार हो तो परमेश्वर तैयार है। तैयार हो, तैयार हो, बोलो तैयार हो परमेश्वर के साथ जीने के लिए, एक बेस्ट जीवन जीने के लिए जो यीशु स्वर्ग से पृथ्वी पे लेकर आया। तैयार हो,